मातम मनाता ये परिवार डॉक्टर शाहनवाज का है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम के रहने वाले डॉक्टर शाहनवाज की पत्नी नफीसा पूरी तरह से टूट चुकी हैं। 3 दिन पहले ही वो अपने घर से ड्यूटी पर गए थे, तब नफीसा की शाहनवाज से आखिरी मुलाकात हुई थी। रविवार यानी 20 अक्टूबर को गांदरबल जिले में हुए एक चरमपंथी हमले में उनकी मौत हो गई। रात 1 बज कर तम नमन सत कह बस आवर मे कर्म गरे कह मे तम सोन पट कर्म कहें बह कत झाँडन वसु मानि खुद बह हमले में मजदूरों के एक कैंप को चरमपंथियों ने निशाना बनाया, जिसमें डॉक्टर शाहनवाज के अलावा 6 और मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। ये मजदूर श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर एक टनल के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। घायलों का इलाज श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में चल रहा है। अब डॉक्टर शाहनवाज के भाई कह रहे हैं कि किसी भी हाल में आम लोगों के साथ होने वाली ऐसी वारदातों को रोका जाना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, ड्यूटी निभाने के बाद वो 7:30 बजे मेस में पहुंचे। जो ही वो मेस में पहुंचे, वहां अंधाधुन गोलियां बरसे। उसके बाद मुझे कॉल आई कि आपके भाई को भी एक गोली लग गई। उसके बाद मैं सोनमर्ग पहुँचा, कंगन पहुँचा, सूरा पहुँचा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन लास्ट पे कंपनी का एक बंदा था, उसने मुझे बोला कि मोनेस्ट्री में है वो, सोनमर्ग में। जब हम जो ही वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ लाशें देखी, 6-7 लाशें देखी, तो उनमें मेरा भाई भी था। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ये अल्लाह ताला ने हमारे साथ क्या किया। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये चाहिए कि ये सिविल किलिंग्स इन फ्यूचर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनमें बेगुनाह मारे जाते हैं। मेरा भाई एक बेगुनाह था, हम बेसहारे हैं, मेरा पापा भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है। उनके घर पर शोक जताने आए लोग भी दुख और गुस्से में कई सवाल पूछते हैं। अफसोस मुकाम छ डॉक्टर साहब से डॉक्टर अफसर ये अफसर साहब बख्शन तो अस लोकल हम क्या कत मौसूम लूख अमिक शिकार बनाने के मजलूम कौशर गोस अमिक शिकार यून बनाने के। मजदूरों पर चरमपंथी हमले के बाद श्रीनगर और घाटी के दूसरे इलाकों में सुरक्षा को काफ़ी चौकन्ना किया गया है और जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर वो स्पॉट है जहाँ पर चरमपंथियों ने मजदूरों के कैंप पर हमला किया। आज सुबह 10 बजे से यहाँ जो है पुलिस ने मीडिया को रोक के रखा है और किसी भी मीडिया कर्मी को आगे जाने की यहाँ से अनुमति नहीं है। इस घटना को लेकर के जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने सख्त निंदा की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमले की खबर बेहद दुखद है। ये लोग इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। मैं निहत्थे और निर्दोष लोगों पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आधिकारिक एक्स अकाउंट से हमले की निंदा करते हुए सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा है, गांदरबल में मजदूरों के खिलाफ हिंसा के इस कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करती हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना।